आज भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर दलितों को अत्याचार सहन करना पड़ता है। आज की कहानी का विषय है, क्या सच में आज भी दलितों को अलग गिलास में दी जाती है चाय? क्या आपने किसी होटल में चाय पीने के बाद अपना चाय का कप खुद धोया है? दक्षिण भारत के कई हिस्सों में होटलों में चाय पीने के बाद कुछ लोगों को अपना कप खुद धोना पड़ता है। दोस्तों, आप देख रहे हो बाबा साहेब अंबेडकर साहेब YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। तो चलिए कहानी पर आते हैं। जाति के निचले पायदान पर खड़े समाज के साथ, खास तौर से दलित समुदाय के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। कई बार उन्हें बाकी गांव वालों के साथ चाय पीने की इजाजत भी नहीं होती। कई होटलों में दलितों के चाय पीने के गिलास अलग रखे जाने की परंपरा आज भी है। इस परंपरा को टू ग्लास सिस्टम कहते हैं। आजाद भारत के कुछ हिस्सों में यह रूढ़ी अब भी कायम है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ उच्च जाति के परिवारों में अभी भी दलित मेहमानों के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक दुकानों पर अलग गिलास रखने की परंपरा ज्यादा चौंकाती है। तमाम भेदभाव विरोधी कानूनों और समाज सुधार अभियानों के बावजूद यह परंपरा खत्म नहीं हो पाई है। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भारतीय संविधान में कई कानून हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। अनुच्छेद 16 में समान अवसरों की बात भी कही गई है। 1989 का SC/ST कानून भी जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इसके बावजूद भारत में जाति आधारित भेदभाव अब भी एक कड़वा सच है। लेकिन पेपर कप जैसी छोटी सी चीज के दशक भर पहले हुए आविष्कार ने एक हद तक इस रूढ़ी पर चोट की है। चाय की छोटी दुकानों और होटलों पर डिस्पोजेबल गिलास रखे जाने लगे हैं और ऐसा लगता है कि इससे दलितों के लिए अलग गिलास रखने की प्रवृत्ति में कमी आई है। अब किसी विशेष जाति को चाय पीने के बाद अपना कप खुद धोना नहीं पड़ता। कागज के गिलास से कितने बदले हालात, BBC की टीम ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी छोर पर बसे कुछ गाँवों मुत्ताई वलसा, तम्मी वलसा, कामा वलसा और पिरिडी का दौरा किया और यह समझना चाहा कि पेपर गिलास से दलितों के जीवन में कितना बदलाव आया। विजनगरम जिले के मुत्ताई वलसा गांव में 2 पिछड़ी और 1 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। BBC की टीम ने इस गांव में एक छोटा सा होटल चलाने वाले एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने स्वीकारा कि दलितों को डिस्पोजेबल गिलासों में चाय दी जाती है, जबकि अन्य लोगों को सामान्य गिलासों में चाय देते हैं। गांव में रहने वाले दलित समुदाय के वेनकन्ना ने कहा, पहले हमारे गांव में सब लोग 2 तरह के गिलास रखते थे, लेकिन बाद में प्रशासन के डर से डिस्पोजेबल गिलास प्रयोग में लाए जाने लगे। वेनकन्ना ने आगे कहा, गांव में हम सब बड़े प्रेम से रहते हैं और हमारे बीच कोई मसला नहीं है। अगर किसी को प्लास्टिक के गिलास में चाय पीने में समस्या होती है तो वह अपने घर से खुद गिलास ले आता है। भारत की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 16% है। BBC टीम ने आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों का दौरा किया। 2011 की जनगणना के मुताबिक आंध्र प्रदेश, जिसमें उस वक्त तेलंगाना भी शामिल था, इसमें दलितों की आबादी भी करीब 16% है। हमने नाराजगी जाहिर की। मुत्ताई वलसा में राजू नाम के एक दलित युवक ने BBC से कहा कि गाँव में सब भाइयों की तरह रहते हैं, इसलिए उन्होंने होटल वालों से खुलकर 2 तरह के गिलास रखने पर नाराजगी जाहिर की। राजू ने आगे कहा, इसके बाद होटल वालों ने 2 गिलास सिस्टम खत्म करके प्लास्टिक के गिलास रखना शुरू कर दिया। डिस्पोजेबल गिलास आने के बाद हम प्रेम से रह रहे हैं। एक दलित महिला ने कहा कि वे होटलों के सामान्य गिलासों में चाय पीना पसंद नहीं करती क्योंकि वे साफ नहीं होते। त्योहारों पर कैसा होता है माहौल। हालांकि दूसरी जातियों के गांव वाले यहां किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार करते हैं। 60 साल के एक बुजुर्ग ने कहा, दलित समुदाय के लोग त्योहारों पर हमारे घर आते हैं, साथ में खाना खाते हैं और यहाँ 2 गिलास सिस्टम बिल्कुल नहीं है। वहीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक युवक ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं आने वाली पीढ़ियां ही खत्म करेंगी। दूसरे गांव का हाल। BBC टीम तम्मी वलसा गांव पहुंची और पता लगाया कि क्या वहां 2 गिलास सिस्टम चलता है या नहीं। इस गांव में आमतौर पर होटल पिछड़ी जातियों के लोग ही चलाते हैं,
एक होटल मालिक ने कहा, हम पिछड़ी जाति के लोगों को आम तौर पर सामान्य गिलास और डिस्पोजेबल गिलास दोनों में ही चाय देते हैं, जबकि दलितों को हम सिर्फ डिस्पोजेबल गिलास और पेपर प्लेट में चाय और खाना देते हैं। लेकिन कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाए। एकता की भावना, गांव के दलित जानते हैं कि भेदभाव के खिलाफ उन्हें कौन से कानूनी अधिकार हासिल हैं। इसके बावजूद वे गांव में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वहीं एक अन्य गांव पिरडी में बीबीसी की टीम टू गिलास सिस्टम नहीं दिखा। गांव वालों ने बताया कि यह सिस्टम तो 1990 में ही समाप्त कर दिया गया था। 40 वर्षीय दलित रामाराव ने कहा कि उन्होंने कभी टू गिलास सिस्टम जैसा भेदभाव नहीं देखा है। सामाजिक दबाव, कई सामाजिक समूहों के साथ काम करने वाले सिम्हाचलम का कहना है कि जब टू गिलास सिस्टम के खिलाफ समाज में आवाज उठने लगी और दबाव बढ़ने लगा, तब गांव में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। वहीं दलितों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक नेता सोरू रामबैया ने बताया कि कुछ होटलों में अब भी टू गिलास सिस्टम चल रहा है। रामबैया गांव के बुजुर्गों से पूछते हैं कि क्या वो ईमानदारी से इस पर सहमत हैं कि टू गिलास सिस्टम गांव में अब बिल्कुल प्रयोग में नहीं है। वो कहते हैं पुलिस को इस पर नजर रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि गांव में सभी लोगों को एक ही तरह के कप में चाय मिलनी चाहिए, इससे दलितों और अन्य समूहों में समानता आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर साहेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भीम।